बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल शाहीन्स कुकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, पालक और आलू का साग। पालक और आलू का साग बनाने के लिए हमें जो अज़ा ज़रूरत होंगे वो ये है: पालक 2 गड्ढी, बड़े बड़े आलू 4 अदद, ऑयल 1 कप, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, सब्ज़ मिर्च 7 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसी में मैंने 1 चाय का चम्मच नमक भी शामिल किया है, लाल मिर्च पाउडर 5 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले पालक को उबाल लिए, अब मैं पतीले में ऑयल शामिल करूंगी और प्याज को फ्राई करूंगी। अब प्याज फ्राई हो गया, मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगी तब मैं बाकी को बाद में शामिल करूंगी। अब टमाटर सॉफ्ट हो गया, मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और इसे थोड़ी देर इसके हिलाने के बाद अब लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। धनिया पाउडर अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करूंगी। आलू थोड़ा भून के अलग बर्तन में निकाल लूंगी, क्योंकि अगर साग और आलू दोनों गठे बनाए तो फिर आलू खराब हो जाते हैं। अब आलू भूनने के लिए पानी शामिल करूंगी, पानी 1 गिलास मिल लिया है। आलू मैं अलग भून के निकाल लूंगी, क्योंकि अगर गठे पालक और गठे आलू साथ हों तो फिर आलू में कच्चापन रह जाता है। अब मैं इसे अलग बर्तन निकालूंगी, आप देखेंगे कि आलू कितने अच्छे भुने हैं। जब आलू निकाल लूंगी अब मैं इसमें पालक शामिल करूंगी। निकाल लिया, मैं इसमें पालक शामिल करूंगी और पालक को भूनूंगी। जब पालक भून जाएगी तब आलू शामिल करूंगी। मैं हमेशा जब पालक और आलू का साग बनाती हूँ तो आलू को पहले भून लेती हूँ। भून चुकी है, मैं इसमें आलू शामिल कर लूंगी और दोनों को मिक्स कर लूंगी। अब आप देखेंगे साग तैयार हो गया है। अब मैं इसमें जीरा शामिल करूंगी, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। आप भी इसी तरह रेसिपी बनाएं, रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें, और मैं इसे प्लेट में सर्व करूंगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से पालक और आलू का साग तैयार हो गया है। इसी तरह आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।